हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जानने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज़रूर ज्वाइन करना। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान MPNP ये कहाँ पे है। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये जो है ना तकरीबन जो है ना 271,4100 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और इसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर हुई थी। गांव रसूलपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम किस नाम पर होगा। गांव रसूलपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम जो है ना ये होने वाला है गुरु रविदास जी के नाम पे। हाल ही में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई थी 3 फरवरी को, और वहां पे ही ये बड़ी घोषणा हुई है। गुरु रविदास जी के नाम पे गांव रसूलपुर में जो है ना बनने वाला मेडिकल कॉलेज है इसका नाम बदला जाएगा। नारनौल में अभी ये जयंती मनाई गई थी, वहीं पे ही है ये। CDLU में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पे स्थापित की जाएगी एक चेयर। पीपली के पास गुरु रविदास जी के नाम पे बनेगा एक बड़ा स्मारक जहाँ छात्रावास और स्कूल भी होगा। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करना और प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को भी जो है ना वो पदोन्नत में आरक्षण मिलेगा, और इसके अलावा जमीन खरीद पर भी 20% की छूट मिलेगी। इसके अलावा वेंचर कैपिटल के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी व्यापार वगैरह के लिए, और संत रविदास धर्मशाला नरवाना के जीर्णोद्धार के लिए 21 लाख रुपये दिए गए। और इसके अलावा 31 मार्च तक अनुसूचित जाति की चौपाल और धर्मशालाओं की मरम्मत के लिए 1 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। व्यापार के लोन में 20%, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूँ समझ लो, इसमें मुख्य है, इनमें से निकाल के ये चीज़ें आपको एग्जाम परस्पेक्टिव याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगला सवाल है कि किस जिले में स्वास्थ्य विभाग 6 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाएगा। पब्लिक हेल्थ सेंटर टाइप से होते हैं, 6 हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है ना ये बनने जा रहे हैं कैथल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य विभाग शहर में 6 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाएगा। यह सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि मैंने कहा ना पब्लिक हेल्थ सेंटर की ही तर्ज पे बनेंगे, जहाँ पे डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर तैनात किए जाएंगे, जहाँ पे लैब में टेस्ट और दवाओं की भी सुविधा होगी। ये बनाने का सीधा उद्देश्य होता है कि लोगों की अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके, ठीक है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ है। लीजिए, बिश्नोई समाज का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, पहली तो बात ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, बिश्नोई समाज को जोड़ा ही पर्यावरण के साथ जाता है, पर्यावरण प्रेमी के रूप में ही पुकारे जाते हैं ये। बिश्नोई समाज के संरक्षक या बिश्नोई पंथ की स्थापना ये भगवान श्री विष्णु के अवतार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो है ना इस समाज की, इस पंथ की जो है ना स्थापना की थी। और इसके अलावा जोधपुर के अंदर एक खेजलडी गांव है, वहां पे अमृता बाई को आपने सुना हो तो 363 लोग उनके साथ शहीद हो गए थे, खेजलडी वृक्ष के लिए, पेड़ों के लिए शहीद हो गए थे। बिश्नोई कहाँ से निकला ये शब्द, ये निकला है 20+9 यानी कि ये 29 नियमों का एक आपका जो है ना ग्रुप है। अगर जिस भी पर्सन ने कोई बिश्नोई, मतलब कुछ अलग से कुछ नहीं है, ठीक है ना, देखो बिश्नोई भी पहले जाट ही हुआ करते थे, लेकिन क्या है कि जिन्होंने इन नियमों को अपना लिया, जैसे मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, ठीक है ना, या हर रोज सुबह उठना, उठ के नहाना, भगवान का भजन करना, शुद्धता का खास तौर पे ख्याल रखना, ये कुछ ऐसे नियम है 29। अब 29 नियम को जिसने अपना लिया वो बिश्नोई है, वो कोई भी धर्म का ही हो। पर्यावरण को प्रेम करना, स्पेशली जीवों की तरफ थोड़ी सी दया दिखाना, दया भाव, मतलब जर्नली मैंने भी फील किया अपने आप में एक बिश्नोई होने के नाते कि जर्नली जल्दी से कोई छोटा सा कीट मकोड़ा पतंगा मारा नहीं जाता, कईयों को देखा एकदम से मार देते हैं वो, ठीक है ना, मतलब कुछ फील नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसे मुझसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। खैर, तो ये कहाँ पे हुआ है अभी हाल ही में, तो बिश्नोई महासभा का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ, ये दुबई के अंदर हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। दुबई में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ है। 2 दिनों में 8 सेशन में 60 से ज़्यादा पर्यावरणविद पर्यावरण से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर जो है ना अपने रिसर्च या अपने रिसर्च जर्नल जो है ना वो पब्लिश करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली जो है ना अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक है और बिश्नोई रतन है कुलदीप बिश्नोई, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन को संबोधित किया।
और गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। और इसके अलावा जो है ना सर्वोच्च संस्था के संरक्षक के रूप में इन्होंने कहा कि मैं सेवा कर रहा हूं पिछले कई सालों से। 15वीं शताब्दी में अनेक विभूतियों का आगमन भी हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन हुआ है और किस तरीके से पर्यावरण को बचाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा ना कि अभी 1730 में राजस्थान के जोधपुर के खेजलडी ग्राम में 363 बिश्नोइयों का सामूहिक बलिदान वो वृक्ष के तौर पर देखा जाता है, जो कि बहुत बड़ा है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष हैं देवेंद्र बूडिया। मैं प्रैक्टिकल इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनके घर भी गया हुआ हूँ, मतलब इनका घर आना जाना हमारे है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और जामबाणी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा है डॉक्टर इंदिरा बिश्नोई, और इनकी उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए गुरु जम्बेश्वर जी की पर्यावरण शिक्षाओं और वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करना ही सीधा सीधा उद्देश्य है। यहाँ पे विवेक ओबेरॉय भी आए थे, जो बॉलीवुड से आप लोग जानते हो, बॉलीवुड हीरो, उन्होंने भी संरक्षक किया था, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है कि सिर सांठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, मतलब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर सांठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, मतलब अगर सिर कटवाने के बाद भी अगर पेड़ बच जाता है तो भी ये सौदा जो है ना बहुत ही सस्ता है। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस समाज की, कहिएगा। संत संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर भारत में पहला संत संप्रदाय जो है ना भगवान गुरु जम्बेश्वर जी को ही माना गया था, एक संत के रूप में इन्होंने जो है ना वो जन्म लिया था। हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है? इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो स्टार्ट हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अभी हाल ही में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो जो है ना इसका उद्घाटन किया, और यहाँ पे जो है ना ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो पे फोकस करने के साथ साथ संबोधित भी किया, क्योंकि आने वाला टाइम जैसे बजट को आपने पढ़ा था तो वहाँ पे ग्रीन ग्रोथ को ही फोकस दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही रिसर्च करें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस पे रिसर्च करें, कोई भी विद्यार्थी रिसर्च करे कोई नई टाइप की तो वो पेटेंट भी करवा सकेगा, और उसका सारा पेटेंट का खर्चा हरियाणा सरकार ही उठाएगी। कोई भी यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिसर्च सेंटर खोलना चाहता है तो भी सरकार उसकी मदद करेगी, इस एक्सपो में ही कहा गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन पॉलिसी 2022 भी हमने लागू कर दी है, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वालों को भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सब्सिडी दी जाएगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2023 में हरियाणा में बेरोजगारी की दर कितने परसेंटेज रही है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगारी अब 2023 तक घटी है, और काफ़ी बड़ा इसमें जो है ना वो जंप मिला है देखने को, क्योंकि दिसंबर तक आप लोगों ने मुझसे पढ़ी थी ये 37% से ज़्यादा थी, और अब एकदम से डाउन आके ये 21.7% पे आ गई, बहुत ही हैरानी की बात है कहिएगा। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की लिस्ट में खैर हम लोग जो है ना अब नहीं रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 0.1 का आंकड़ा फालतू है, जम्मू कश्मीर का 21.8 है और हरियाणा का 21.7 है। पहली बात तो ये है कि पिछले 2 सालों में हम टॉप पे ही थे, तो अब हम सेकंड टॉप पे आ गए, लास्ट में आ गए, एक सेकंड लास्ट पे आ गए, और राजस्थान भी बड़ा करीब है हमसे 21.1 के साथ में, और ओडिशा में पिछले महीने भी कम ही थी और अभी भी कम ही है, 1.5% है, हालांकि थोड़ी बड़ी है बेरोजगारी, पिछले महीने तो 0.5 ही परसेंटेज थी। ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो थोड़ा डेटा बदला है, कम हुई है मतलब बेरोजगारी बढ़ी है, कहने का मतलब ये डेटा कम हुआ है, 7% अर्बन में 8.5% और गाँव में 6.3%, ठीक है। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए वाइंड अप करता हूँ, कल फिर मिलूंगा 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और एक सवाल का जवाब दीजिए कि हरियाणा सरकार ने किस नाम से एक नया विभाग बनाया है। अगर आप थोड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं तो आप मुझे कमेंट में सजा दीजिएगा, जो नए नए विभाग बनाए हैं वो सारे के सारे, और कोई नया मंत्री मंत्री बने हैं, मंत्रालय को पदभार ग्रहण किया है तो वो भी बताइएगा। अपना ख्याल अवश्य रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा, जाती हुई ठंड है तो वो आपको लग सकती है, तो अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा माचो बन के टी शर्ट में या लड़की है तो जींस टॉप में मतलब अभी घूमना बंद कर दीजिएगा, साथ में घूमिएगा पर उनके साथ में जो कोट और स्वेटर है उनको छोड़िएगा मत, ठीक है, ये हिदायत है आपके लिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना।